आयुष तेजो बलम वीर्यम प्राजना श्रेष्ठ यशस्ता पुण्यता सत्प्रियताम च वर्धते ब्रह्मचर्य। जब कोई मनुष्य सेलिबेसी यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपने सीमन को इजेकुलेट यानी कि बाहर निकलने नहीं देता, तब उस इंसान की लाइफ में लॉन्जिविटी यानी कि लॉन्ग लाइफ, लश्चर यानी कि चमक, होलीनेस यानी कि पवित्रता, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति, नॉलेज यानी कि ज्ञान, ब्यूटी यानी कि सौंदर्यता, फेम यानी कि प्रसिद्धि के साथ साथ ट्रुथ यानी कि उस परम सत्य परमेश्वर की पहचान होती है ब्रह्म, और चर्य यानी ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ब्रह्म का मतलब है ईश्वर, मोक्ष, धर्म, गुरु, सुख, सत्य और ज्ञान, और चर्य शब्द का मतलब है चिंतन, अध्ययन, रक्षण, सेवा, साधना और कार्य। सो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो की एक एक बात आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को शायद पता होगा कि भारत पुराने समय में हर क्षेत्र में आगे था, चाहे वो ज्ञान हो या शक्ति, हम हर चीज में आगे थे। इस देश में एक से एक वीर योद्धा, ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि पैदा हुए। इसका एक रीजन है कि पुराने समय में हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम था, जिसमें जैसे ही बच्चा 13 साल का होता था तब उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिया जाता था, और जब तक वो 25 साल का होता था तब तक वो वहीं रहता था। इसके पीछे का रीजन ये था, 13 साल का होते ही बॉडी में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि बॉडी 13 साल की उम्र में सीमन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और जब तक हम 25 साल के हो पाते हैं तब तक हमारे स्कल में प्रेजेंट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें सुपर इंटेलिजेंट और जीनियस बनाता है, वो 25 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है। इसलिए गुरुकुल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ब्रह्म शब्द का अर्थ ज्ञान भी है। जैसा कि महर्षि मनु ने कहा है, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य यानी कि उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्म है, यानी उसका पहला उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी स्मरण शक्ति और बुद्धि तीव्र यानी तेज होती है, उसके चेहरे पे ओजस यानी कि एक तेज होता है। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष की अखंड ब्रह्मचर्य से अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सीमन बॉडी में प्रोड्यूस कैसे होता है। तो सुनो, आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर में 7 धातु होते हैं, जिनमें से सबसे अंतिम धातु है सीमन, जिसको आयुर्वेद में वीर भी कहा जाता है। सबसे पहले आपकी छोटी आंतों में जाता है फूड, एंड देन उस फूड से आपकी बॉडी में बनता है रस, जिसे द बॉडी फ्लूइड कहा जाता है, और इसे बनने में लगभग 5 दिन का टाइम लगता है। और फिर बॉडी फ्लूइड से बनता है ब्लड, इसको भी नेक्स्ट प्रोसेस में जाने के लिए 5 दिन लगते हैं। फिर उस ब्लड से बनता है मांस यानी कि फ्लैश, फिर उस फ्लैश से बनता है फैट, देन उस फैट से बनती है बोन्स, फिर उन बोन्स से बनती है बोन मैरो, तब कहीं जाकर बोन मैरो से बनता है सीमन। और इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 65 डेज लगते हैं। एक इंसान एवरेज 800 ग्राम्स फूड कंज्यूम करता है, और जिससे ठीक 50 दिन बाद आधा ग्राम सीमन तैयार होता है। एंड 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड मेक्स 1 ड्रॉप ऑफ सीमन। अगर एक नॉर्मल इंसान के एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से लगभग 5 ग्राम्स ऑफ सीमन बॉडी से इजेकुलेट होता है। हमारे भारत वर्ष में ऐसे महान राजा, ऋषि, महात्मा हुए जो शेर से भी लड़ लेते थे और हमारे वजन जितने शस्त्र उठाकर युद्ध करते थे। उनके हाथों में एक जकड़न थी, खून में एक चुंबकीय आकर्षण और चेहरे पर एक तेज था। लेकिन आज के युवाओं ने वीर का नाश करके खुद को कमजोर बना लिया है, और बल, बुद्धि, विद्या, धातु, नेत्र, इन सब का नाश कर रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है, मेडिकल साइंस कहता है कि ये सब नेचुरल है, सीमन को बहाने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये सारी बातें आपको बर्बाद कर देंगी। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर कहता हूँ, इन सब बातों को सुनकर अपने आप को बर्बाद न करें, सिर्फ आयुर्वेद की सुने और आयुर्वेद ही माने। हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार यदि कोई 12 साल तक बिना रुकावट के कठोर और सटीक ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो एक नाड़ी जिसे मेधा नाड़ी कहा जाता है वो एक्टिव हो जाती है, और उस व्यक्ति को भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी जानकारी आने लगती है, और वो इंसान महासमाधि में कभी भी प्रवेश कर सकता है। उस व्यक्ति की मेधा नाड़ी इस तरह से एक्टिव होती है, उस व्यक्ति के किसी भी किताब को देखने मात्र से वो पूरी किताब उसके दिमाग में कार्बन कॉपी की तरह छप जाती है। इसे द फोटोग्राफिक मेमोरी या फिर आइडेंटिक मेमोरी भी कहा जाता है। तो आइए अब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का क्या कहना था इस टॉपिक पर। तो स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैंने स्वयं 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, उससे मानो एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया हो। इसलिए अब मुझे किसी भी विषय पर भाषण देने के लिए ज्यादा तैयारी या सोचना नहीं पड़ता। मान लो कि मुझे कल कोई भाषण देना है, जो भी मुझे बोलना होगा वो मेरी आंखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात को गुजर आता है, और अगले दिन मैं वही सब जो मैंने देखा था शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ।
जो कोई भी 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो निश्चित रूप से इस शक्ति को पाएगा। एक बार इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का सेट देकर उनके शिष्य ने कहा, इन सभी किताबों को एक जीवन में पढ़ पाना लगभग असंभव है। स्वामी जी पहले ही उन किताबों के 10 पार्ट एंड कर चुके थे। स्वामी जी ने कहा, तुम जो चाहो मुझे इन 10 पार्ट से पूछ सकते हो, मैं उन सभी प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी ने लगभग हर प्रश्न का एकदम सही और विस्तार पूर्वक जवाब दिया। उनका शिष्य वहीं रुक गया। उसने सारी किताबें एक तरफ रख दी और स्वामी जी से कहने लगा, इन सारी किताबों को पढ़ पाना एक इंसान की शक्तियों से बाहर है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि ये सब ब्रह्मचर्य और ध्यान की महिमा है। एक बार किसी ने ग्रीक के फेमस फिलोसोफर सोक्रेटिस से पूछा, एक इंसान को अपनी जिंदगी में कितनी बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। इस पर सोक्रेटिस ने कहा, जिंदगी में सिर्फ एक बार। इस पर असंतोष जताते हुए उस आदमी ने फिर से कहा, अगर इससे भी उसका मन न भरे तो फिर सोक्रेटिस ने कहा कि सिर्फ एक साल में एक बार। एक और बार उस आदमी ने पूछा, अगर इस पर भी उसको संतोष न हुआ तो? इस पर सोक्रेटिस ने कहा कि सिर्फ एक महीने में एक बार। लेकिन इस बार फिर से उस आदमी ने पूछा, अगर इससे भी उसका मन न भरे तो? इस पर सोक्रेटिस ने कहा, जाओ पहले अपने सिर पर कफन बांध लो और अपने लिए एक कब्र तैयार करवा लो और फिर चाहे जो मर्जी वो करो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए। मैं आप लोगों से ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि आप लोग खुद ही समझदार हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर कोई सवाल या बवाल आपको परेशान कर रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द आपको दूंगा। तो भाई लोग अपना समर्थन जरूर देना इस चैनल को आगे ले जाने में। धन्यवाद।